सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने आपका टॉपिक स्टार्ट किया था सिंथेसिस का। ये किसके लिए सिंथेसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो क्लास 12th की इंग्लिश के ग्रामर के पोर्शन को हम करा रहे थे और इसमें हमने आपके 6-5 वीडियोस दे दिए थे और आज का जो वीडियो नंबर होने वाला है वो 6 होने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे देख लेना। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का डिटेल डिस्कशन। अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है और इससे हम दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब इससे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, आप इसको कैसे पहचान सकते हो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि यहाँ पर आपको दो कार्य दिए होते हैं। एक कार्य तो खत्म होता है, उसी के जस्ट तुरंत बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई विलंब नहीं होता दूसरे कार्य चालू होने में। ओके, तो इसमें यही चीज आपको देखनी है। और इसमें जब आप बनाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, तो आपका ये V4 बन जाएगा, यानी इससे आपका सेंटेंस बनेगा, कंबाइन होगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने कुछ सेंटेंस हिंदी में लिखे हुए हैं जिससे कि आपको इसका हिंदी में भी कंसेप्ट क्लियर हो पाए, उसके बाद सेंटेंस टू सेंटेंस हम उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये दो भागों में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये कर्ता वाला केस है और ये आपका कर्म वाला केस है। इसमें देखते हैं, पहला सेंटेंस लिखा हुआ, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। अब ये चोर क्या होगा, चोर किसी घर में गया होगा चोरी करने के लिए। अब जैसे उसने देखा पुलिस आ रही है तो वहां से वो निकल लिया। अब निकल लिया तो देखिए यहां पर वर्ब कौन सी है, तो क्या कर रहा है, पुलिस को देखकर, देखकर किसको देखकर, पुलिस को देखकर, तो देखकर होगी वर्ब आपकी। अब देखकर की हम जब लगाएंगे तो यहां पर देखने की लगाएंगे तो हम सी लगाएंगे, पर देखकर तो आईएनजी लगा दोगे तो देखकर हो जाएगा। तो सीइंग, अब किसको सीइंग किया इसने, किसको देखा, तो इसने देखा पुलिस को, तो सीइंग द पुलिस, Seeing the police, comma, thief ran away. चोर क्या किया, चोर वहां से निकल लिया, पुलिस को देखा वो भाग लिया वहां से। ओके, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। दूसरा जैसे देखेंगे, अब यहां पर ये भी देखिए, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो अब देखिए पूरा पहले कार्य हुआ कि नहीं हुआ, उसने पूरा पुलिस को देखा आते हुए, देखा वो देख लिया उसने, देखने का मतलब ये तो कार्य खत्म हो गया, उसके देखने का कार्य खत्म हो गया, उसके बाद वो भागा, दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ ना, जस्ट ही हुआ, कोई विलंब नहीं हुआ। अब मान लीजिए आप ही चोरी करने कहीं गए हो और चोरी करने गए हो, अब मान लीजिए पुलिस को आपने देख लिया, तो आप वहां पे थोड़ा ही विलंब लोगे, भगोगे कि नहीं भगोगे, वहां से आने भगोगे, कहो भाई निकल लू, नहीं तो क्या पता पुलिस पिटपिटा दे। ठीक है, तो यहाँ पे आप हार निकलते हो। तो ये फर्स्ट कार्य फिनिश हो गया है और दूसरा कार्य चालू होने लगा है। ओके, तो पुलिस को देखकर चोर भाग गया। ऐसे देखिए, कूद कर भाग गया, क्या हुआ, पहले वो कूदा, अब कूदने का कार्य खत्म हो गया, कूदा और जस्ट ही वो भाग गया वहां से। अब कूदने की क्या होगी, जंप, और जंप में आईएनजी लगा दोगे तो वह कूद कर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जंपिंग अप, कूद कर, कॉमा, ही रैन अवे, वो है क्या हुआ, वह वहां से निकल लिया, भाग लिया। नेक्स्ट देखेंगे, चूहों को देखकर बिल्ली कूदी। अब चूहों को देखा बिल्ली ने, बिल्ली ने कहा अरे ये तो मेरा भोजन है, चलो इसको खा लेते हैं, तो वो उससे कूदी और कूद कर चूहों को देखकर, चूहे उसने पहले देखे, देखने का कार्य खत्म, तब वो कूदी, ताली कूदी जस्टी। तो सीइंग द रैट्स, किसको देखकर, तो देखकर वर्ब हो गई। अब किसको देखा है, तो चूहों को देखा है। सीइंग द रैट्स द कैट जंप, क्या हुआ, बिल्ली कूदी। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे, शोर सुनकर बाहर आया, शोर सुनकर वह बाहर आया, मान लीजिए कोई पर्सन था घर में अपने बंद था, उसे शोर मालूम पड़ा बाहर की साइड से, तो वो शोर सुनकर बाहर आया, किसको सुनकर,
सुनकर किसको आया है? तो हियरिंग द नॉइस, किसको सुनकर? नॉइस को सुनकर, तो हियरिंग यानी यहाँ वर्ब हो गई है, नॉइस, ही केम आउट, वह क्या हुआ? वह बाहर आया। तो पहले कार्य कौन सा हुआ है? पहले कार्य हुआ है सुनने का, तो सुनने का हुआ, तो पहले वाले कार्य में हम बी वन में आई एन जी लगा देंगे, और सेकंड कार्य में तो आपका बाद में हो रहा है तो उसे सेंटेंस में बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर, ये तो हो गया आपका सब्जेक्टिव केस की सभी, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस में किस तरीके से होंगे सेंटेंस, तो देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैंने एक लड़के को सड़क पर जाते हुए देखा, तो मैं मतलब मैं खड़ा हुआ था तो एक लड़का सड़क पर जा रहा था, इस तरीके से, तो उसने क्या हुआ, जाते हुए देखा, तो क्या हुआ, कैसे देखा, जाते हुए देखा, तो पहले क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ था यानी एक मैं था वहां पे और लड़का क्या कर रहा था, जा रहा था, तो आई सॉ, मैंने देखा, मैंने क्या देखा, अब देखने का कार्य खत्म, अब दूसरा कार्य चालू हो गया, आई सॉ, मैंने देखा, तो ये किसमें है, ये जो सड़क पर जाते हुए ये क्रम में पहुंच गया है, तो आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा गोइंग ऑन द रोड, कहां जा रहा था, रोड पर चलता हुआ जा रहा था, वो रोड पर निकलता हुआ जा रहा था, चले ही जा रहा था रोड पर, ऐसे मैंने देखा, तो पहले मैंने देखने का कार्य हुआ। ओके, ऐसी इस प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मीरा ने सीता को हंसते हुए देखा, तो ऐसी मीरा मतलब बैठी हुई थी तो उसने सीता को देखा तो वो तो हंस रही है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो मीरा सॉ सीता, मीरा ने सीता को देखा, कैसे देखा, तो लाफिंग, मतलब वो हंस रही थी, लाफिंग कर रही थी, लाफिंग करते हुए उसने देखा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तो कहा है राम ने एक अंधे व्यक्ति को लालटेन ले जाते हुए देखा, राम ने एक अंधे व्यक्ति को लालटेन ले जाते हुए देखा, तो राम सॉ अ ब्लाइंड, अब ब्लाइंड, अब ये है ना, ये मैन है तो यहां पर मैन लिख दीजिए, मैं भूल गया हूं, मैन कैरिंग अ लालटेन, क्या ले जा रहा था, वो लालटेन ले जा रहा था, किसने देखा, तो राम ने देखा था उसे। अब देखिए लिखा है, मैंने आपको भागते हुए देखा, मैं जब सुबह सुबह गया था तो आप दौड़ लगा रहे थे, आप भाग रहे थे, तो मैंने आपको भागते हुए देखा, आई सॉ यू रनिंग, आई सॉ यू रनिंग, आप क्या कर रहे थे, आप भाग रहे थे जब मैंने आपको देखा, तो इस प्रकार से इससे आप समझ सकते हो। अब ये सेंटेंस बनाऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे आप इन सेंटेंस को बना सकते हो, पहले मैं रफ कर लेता हूँ इसको, इस पोर्शन को, ओके, इस पोर्शन को रब कर लेता हूँ जिससे कि इसी के यहीं पे बनाऊंगा मैं सेंटेंस। तो आपने समझ लिया किस तरीके से आप इन सेंटेंसों को कन्वर्ट कर सकते हो, और इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा समझना है इनको अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ जाएंगे, कहीं भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, हमको कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है तो वहाँ पर जाकर के आप पूछ सकते हो। आप देखिए सेंटेंस हम बनाएंगे, तो पहला सेंटेंस देखिए, आसानी से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, तो पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पहला सेंटेंस आप देखिए, कह रहा है अ फार्मर सॉ अ स्नेक, एक जो फार्मर है यानी जो किसान है उसने किसको देखा है, उसने देखा है स्नेक को, किसको देखा है, उसने स्नेक को देखा, ही रैन अवे, अब स्नेक देखेगा तो भागेगा वहां से, कोई देख के रुकेगा थोड़ी नहीं वहां पे कि भाई स्नेक है, अरे अच्छा अच्छा ऐसा स्नेक होता है, तो वहीं पे जब खड़े होकर देखेगा क्या, उसको भाग लेगा वहां से। तो अब देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो पहले कार्य कौन सा हो रहा है ये देखिए आप, अ फार्मर सॉ अ स्नेक, फार्मर ने स्नेक देखा, पहले देखा उसके बाद भगा, तो पहले देखा तो पहले कार्य हो रहा था, हमने कहा था पहले वाले कार्य में ही हम वर्ब में आई एन जी लगा देते हैं, पहले वाले कार में वर्ब में आई एन जी लगा देते हैं, वो पूरा सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीइंग, क्या लिखेंगे, सीइंग किसको देखा, किसको देखा, सीइंग किसको, अ स्नेक, अ स्नेक, अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक, अब कौन भगा, सीइंग अ स्नेक अब कौन भगा, ही भगा, पर ही है कौन, फार्मर, तो फार्मर लिख देंगे हम, अ फार्मर सीइंग अ स्नेक कॉमा अ फार्मर, अ फार्मर, फार्मर रैन अवे,
क्या हुआ, भग लिया वहां से फार्मर। ओके, इस तरीके से आप बना सकते हो सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर टू कह रहा है ही टुक एम, उसने निशाना साधा, उसने अपना लक्ष्य तय किया, लक्ष्य बनाया और क्या दिया, ही शूट अ टाइगर, और उसने टाइगर को मार दिया, कुंडा दिया टाइगर को। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो टुक है वो सेकंड फॉर्म लगी हुई है अभी, तो पहले कार्य कौन सा हुआ था, उसने निशाना लिया या उसने निशाना साधा, तो ये पहले कार्य हुआ। तो यहां ये टुक लगा, इसे क्या लिखेंगे, टेकिंग लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगाते हैं। टेकिंग एम, क्या लिया आपने, टेकिंग एम कॉमा, ही शूट अ टाइगर, ही शूट अ टाइगर, ही शूट अ टाइगर। ओके, इस तरीके से आप बना लीजिए इसको। नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है, ही हियर्ड अ नॉइस, उसने आवाज सुनी, उसने आवाज सुनी, ही केम आउट, और वह बाहर आ गया, आवाज सुनकर बाहर आ गया। तो पहले उसने क्या किया, उसने आवाज सुनी, पहले कार्य कौन सा हुआ, आवाज सुनने का कार्य हुआ, तो हम यहां पर लिखेंगे हियरिंग अ नॉइस कॉमा, ही केम आउट, वह बाहर आ गया, क्या हुआ, वह बाहर आ गया, क्या सुनकर, आवाज सुनकर। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर फोर कह रहा है, ही सॉ हिज मदर, उसने अपनी मम्मी को देखा, ही बीकेम हैप्पी, और वह खुश हो गया। जैसे मान लीजिए हम जब छोटे थे तो मम्मी कहीं बाहर चली जाती थी तो रोने लगते थे, जब तक वो आती नहीं थी उनको देखते नहीं थे, तब तक हमें सांत्वना ही नहीं मिलती थी, अब देख लेते थे फिर खेलने लग जाते थे। तो वही है, उसने अपनी मम्मी को देखा, ही बीकेम हैप्पी, और वह बहुत खुश हो गया। ओके, तो क्या करके हो गया खुश, किसको देखकर, तो मम्मी को देखकर, सीइंग, तो पहले कार्य कौन सा हुआ, मम्मी को देखने का, सीइंग हिज मदर, मम्मी को देखकर, हिज मदर कॉमा, ही बीकेम हैप्पी, ही बीकेम हैप्पी, वह क्या हो गया, वह प्रसन्न हो गया मम्मी को देखकर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए नंबर फाइव कह रहा है, जंप अप ही रैन अवे, वह कूदा और निकल लिया, भग लिया, कूद कर वह क्या हुआ, भग लिया। तो क्या करेंगे हम, जंपिंग करेंगे, पहले क्या कार्य हुआ, कूदने का, तो जंपिंग अप कॉमा, ही रैन अवे, अब क्या मालूम चोरी वोरी करके भाग रहा हो, ही रैन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे यहां पर सिक्समा सेंटेंस देखेंगे क्या कह रहा है, He was hungry. वह कैसा था, वह भूखा था, He stole a piece of bread. उसने ब्रेड का टुकड़ा चुरा लिया, क्या किया, उसने ब्रेड का टुकड़ा चुरा लिया। यहां पर देख रहे हो बॉज आ रहा है, यहां पर देख रहे हो बॉज आ रहा है दूसरे सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस कौन से हैं, ये बी फॉर्म वाले हैं। तो बी फॉर्म इसमें देखिए लगी हुई है, यानी बॉज है, अब बी फॉर्म है ये, उसमें क्या आता है, एजेएम आर बराबर आता है बी फॉर्म में, ऐसे इस तरीके से होता है। देखिए हम लिख देते हैं, जैसे बी फॉर्म होती है, बी फॉर्म, तो बी फॉर्म में जो होता है वो आपका हो जाएगा इज कॉमा एम कॉमा आर कॉमा बाज कॉमा बर, ये आते हैं आपके बी फॉर्म में, और ये बी फॉर्म का ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो बी फॉर्म का है, बी में ही आई एन जी लगा देंगे, यानी बीइंग कर देंगे इसको, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। नंबर सिक्स ये क्या कह रहा है, ही वॉज हंग्री, ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड, तो क्या होकर यानी भूखा होकर, या भूखा था वो, तो भूखा, अब भूखा ही भूखे हैं हम, तो भूखे होकर हमने क्या किया, हमने भूख हमें लगी बहुत तेज, तो हमने क्या किया, हमने स्टोल कर लिया, किसको कर लिया, अब पीस ऑफ ब्रेड को स्टोल कर लिया। तो हमें क्या करना है, तो बीइंग हंग्री, Being hungry, comma, आप सेंटेंस डाल दो, he stole a piece of bread, he stole a piece of bread, उसने क्या किया,
उसने ब्रेड का ही टुकड़ा चुरा लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखें नंबर सेवन, तो यहाँ पे बना देता हूँ सेवन। सेवन क्या कह रहा है, ही वॉज टायर्ड, वह थक चुका था या वह थक गया था, तो उसने क्या किया, ही सेट डाउन टू टेक रेस्ट, वह रेस्ट के लिए क्या हुआ, वह रेस्ट के लिए बैठ गया। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम देखिए, तो यहां पर लगाएंगे बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड थकने के कारण थक गया था, वह थकवर के कारण उसने क्या किया, बीइंग टायर्ड वह थक चुका था, थक गया था, इसलिए उसने क्या किया, बीइंग टायर्ड। अब किस तरीके से बनाएंगे, ही सेट डाउन टू टेक रेस्ट, तो इसमें सीधा सीधा उतार दो, ही सेट डाउन, सेट डाउन टू टेक रेस्ट, ही सेट डाउन टू टेक रेस्ट, इसलिए वो है आराम करने के लिए बैठ गया। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए नंबर एट, एट में क्या कह रहा है, तो कह रहा आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज कमिंग ऑन द रोड, वह रोड पर आ रहा था, वह रोड पर आ रहा था, तो क्या देखा उसने, ये आई लिखा है, ही नहीं लिखा, आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा। ओके, तो आई सॉ अ मैन, ही वॉज कमिंग ऑन द रोड, तो ये किसका है, ऑब्जेक्टिव केस का है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे क्या कर रहा था, वो रोड पर चला आ रहा था, तो आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन, मैन कमिंग ऑन द रोड, इस तरीके से इसे चिपका दो, कमिंग ऑन द रोड, कमिंग ऑन द रोड, तो मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति को रोड पर आते हुए देखा, जैसे ऑब्जेक्टिव केस में हमने आपको बताया था किस तरीके जोड़ते हैं। नंबर नाइन देखो, मदर सॉ अ गर्ल, मदर मोहन सॉ अ गर्ल, मदर ने मोहन सॉ अ गर्ल, सी वॉज वीपिंग, मोहन ने एक गर्ल को देखा, मोहन ने मोहन सॉ अ गर्ल, सी वॉज वीपिंग, मोहन ने एक गर्ल को देखा, वो क्या कर रही थी, रो रही थी, तो मोहन ने गर्ल को कैसे देखा, रोते हुए देखा, तो मोहन, मोहन सॉ अ गर्ल, कैसे, कैसे रोते हुए देखा, तो बीपिंग, बीपिंग करते हुए देखा, तो बीपिंग, मोहन सॉ अ गर्ल बीपिंग, मोहन ने एक गर्ल को रोते हुए देखा। नंबर लास्ट टेन, टेन सेंटेंस क्या कह रहा है, A fox saw some grapes. लोमड़ी ने क्या देखे, कुछ अंगूर देखे, They were hanging on the vine. वो किस पर लटक रहे थे, बेल पर लटक रहे थे, तो क्या बनाएंगे इसको, a fox saw. Fox ने क्या देखा, a fox saw. पहले fox ने देखा, किसे देखा, a fox saw some grapes. क्या देखे, some grapes. Some grapes, grapes किस तरीके से, hanging on the vine, तो इसी लिख देंगे hanging, hanging यानी लटकते हुए, hanging on the vine, उसने बेल पर, अंगूर की जो बेल होती है उस पर लटकते हुए देखे अंगूर, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये सभी सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनके ये बने हुए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, और ये हमने सभी सेंटेंस आपके बना दिए हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका हम आज डिस्कस किया, किसको डिस्कस किया है, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को, इसकी एक एक्सरसाइज और ले आएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो हम दूसरा डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताना, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में जहां भी आप जुड़े हुए सोशल मीडिया साइट्स पर सब लग शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं, थैंक यू।